और सरदार शहर के बाजार आज पूरी तरीके से बंद रहने वाले हैं। रामदेवरा पैदल यात्रियों के संघ के डीजे को रोकने पर विवाद का पूरा मामला है। डीजे निकलने पर दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया और ऐसे में डीएसपी अनिल कुमार माहेश्वरी, थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता भी मौके पर तैनात किया गया है और तस्वीर आप देख सकते हैं, सरदार शहर के बाजारों की तस्वीर जो कि पूरी तरीके से बंद है। रामदेवरा पैदल यात्रियों के संघ के डीजे को रोकने पर यह विवाद शुरू हुआ था और डीजे निकलने पर दो समुदायों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद से ही बाजार पूरी तरीके से बंद है। हालांकि डीएसपी अनिल कुमार माहेश्वरी, थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज लगातार इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात भी किया गया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बाजार पूरी तरीके से बंद है, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, सरदार शहर आज पूर्ण रूप से बंद है। सरदार शहर बंद के साथ साथ सब्जी मंडी, कृषि मंडी, तमाम जो बाजार है वो बंद रखे गए हैं और सुबह से ही जो संगठन है वो बंद में आ गए हैं और इसके साथ आज सफाई कर्मियों ने भी अपने कार्य का बहिष्कार किया है और शहर के अंदर सफाई व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। ये पूरा जो उन्माद है वो कल शाम को वो पैदा हुआ और कल शाम को रुणेसा पैदल यात्रियों के लिए एक संघ जा रहा था, उस संघ के डीजे को रोकने की कोशिश की, उसे बंद करवाने की कोशिश की, इस तरह वहां पे झगड़ा हुआ। उसके बाद में जो द्रवामली है वो लोग हैं, उसके साथ भी हिंदू संगठन के भी काफी लोग हैं, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने सब्जी मंडी के अंदर लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। तब तक पुलिस ने एक उपद्रवी को है वो हिरासत में ले लिया। उसके बाद के अंदर सारे के सारे लगभग हजारों की तादाद के अंदर पुलिस थाने में लगभग देर रात तक प्रदर्शन करते रहे, टायर जलाकर प्रदर्शन होता रहा और उस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 2 और उपद्रवियों को है वो हिरासत में लेने की बात कही गई है। लेकिन उनकी मुख्य मांग थी कि जो जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया है, शहर की शांति व्यवस्था को भंग किया है और ये जो सर्वधर्म और सर्व संभाव वाला जो शहर है उस शहर में इस प्रकार की जिन्होंने घटना कर यहाँ पर जो है एकता को खंडित करने की कोशिश की गई है, उन लोगों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि डीएसपी, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक जय यादव है वो देर रात तक है वो आंदोलनकारियों से बात करते रहे और कार्रवाई करने का आश्वासन देते रहे। लेकिन जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी संजय जानकारी भी दे रहे थे कि आक्रोश इस पूरे मामले पर जताया गया, दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया है और इसी वजह से सरदार शहर के बाजार आज पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। रामदेवरा पैदल यात्रियों की यात्रा के दौरान ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था और पहली तस्वीर आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले